महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये 10 जुलाई तक लागू रहेगी। धारा 144 लागू रहने की स्थिति में एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। कहा जा रहा है कि शिवसेना में हुए 2 फाड़ के बाद तोड़फोड़, हिंसा वगैरह की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस बीच विधायकों और सांसदों के कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजनीतिक जमघट, पोस्टरबाजी, नारेबाजी पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। धारा 144 CRPC की यानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन इसे लागू करता है। फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर जो संकट और सियासी उठापटक चल रहा है, उसको लेकर अशांति की आशंका बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। धारा 144 का मतलब कर्फ्यू ना समझे। कर्फ्यू लागू करने का अधिकार कलेक्टर या पुलिस कमिश्नर के हाथ में होता है। ये भी शहर की स्थिति देखते हुए लागू किया जाता है। खासकर धार्मिक भावनाएं भड़कने या राजनीतिक कारणों से दंगे वगैरह की स्थिति में है, ऐसे मामलों को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। धारा 144 में इमरजेंसी सुविधा चालू रहती है। वहीं अपवाद की कई स्थितियों में इसमें ढील दिए जाने का प्रावधान रहता है। वहीं कर्फ्यू की स्थिति में इमरजेंसी सुविधा पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। जैसे जरूरी लगे तो बैंक, ATM, खाने का सामान, सब्जियां, दूध की दुकान भी बंद कर दी जाती है। इसमें घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहती है। कर्फ्यू में केवल पुलिस प्रशासन के अधिकारी या जवान ही सड़कों पर नजर आते हैं, जबकि धारा 144 लागू होने पर इमरजेंसी चीजों की छूट रहती है। यानी इंसान ऐसी चीजों के लिए घर से निकल सकते हैं।